Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. I now request the Honorable Prime Minister of India to deliver his remarks. नेपाल के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र ऑनरेबल केपी शर्मा ओली जी, नेपाल के सम्माननीय मंत्रीगण और अधिकारीगण, साथियों नमस्कार। एक्सलेंसीज, नेपाल में हमारे बायलेटरल प्रोजेक्ट्स के रिमोट उद्घाटन के लिए आज आपसे वीडियो लिंक पर जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मई 2019 में भारत की आपकी यात्रा के दौरान हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए थे। मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे बायलेटरल प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। एक्सलेंसीज, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलेटरल रिलेशंस का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। पिछले डेढ़ वर्षों में मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं 4 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से आपसी विश्वास पक्का हुआ है और परस्पर हित के आधार पर हमारी साझेदारी मजबूत हुई है। विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया है। हमारे संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य है कि हमारे लोगों को लाभ मिले, उनका विकास हो, और इसलिए परियोजनाओं का समय से पूरा होना हमारी दोनों सरकारों की प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और कई अन्य इनिशिएटिव्स के परिणाम जल्दी प्राप्त किए हैं। पिछले साल हमने संयुक्त रूप से पशुपतिनाथ धर्मशाला और आईसीपी वीरगंज का उद्घाटन किया था। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पिछले साल हुई थी। यह बहुत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। जितनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में यह बनकर तैयार हुई है। इसका श्रेय आपके नेतृत्व को, नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को जाता है। इस पाइपलाइन से हर साल 2 मिलियन मैट्रिक टन तक के क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट्स पर नेपाल के सामान्य लोगों को प्राप्त होंगे। और मेरे लिए खुशी है कि आज आपने इस पाइपलाइन के उद्घाटन के साथ ही उससे जो आर्थिक रूप से बचत होने वाली है वो आपने नेपाल के नागरिकों की तरफ उसको समर्पित कर दिया और वहां दाम कम करने की योजना भी घोषित कर दी। यानी एक प्रकार से ये काम नेपाल के सामान्य नागरिक की भलाई के लिए हुआ है, ये संदेश आज आपने बड़ी सरलता से दे दिया। नेपाल के लोगों की भलाई के इस काम में हमें भी साक्षी बनने का मौका मिला, भागीदार बनने का मौका मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष होता है।
एक्सलेंसी 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद जब नेपाल के पुनर्निर्माण का बेड़ा उठाया तो भारत ने पड़ोसी और निकट मित्र के नाते अपना हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ाया। मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल के गोरखा और नोवाकोट जिलों में हमारी आपसी सहयोग से फिर से घर बसे हैं। और जैसे आपने इस बात का बहुत ही गर्व के साथ उल्लेख किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके कारण आम लोगों के सिर पर फिर से छत आई है। आशा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट का आपके साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी बहुत ही जल्द मुझे मिलेगा। एक्सलेंसी, हमने अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए एक एम्बिशियस एजेंडा निर्धारित किया है। मुझे खुशी है कि हम अपने सहयोग के सभी क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रियों ने काठमांडू में अपनी मुलाकात में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति का जायजा अभी हाल ही में लिया था। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विविध क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक्सलेंसी, नेपाल की प्रायोरिटीज के अनुसार उसके विकास में सहयोग के लिए भारत के कमिटमेंट को मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए और वीडियो लिंक के जरिए मुझसे जुड़ने के लिए समय निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, अभूतपूर्व सक्रियता और भारत नेपाल के संबंधों को जोड़ने के लिए हर प्रकार से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आपने मुझे फिर एक बार वहां आने के लिए निमंत्रण दिया है। मैं बिल्कुल इस बात को बहुत महत्व मानता हूं और मेरी भी बड़ी इच्छा रहती है आपके बीच आना, आपके पास आना, उस प्रकृति की गोद में आना। मैं बहुत ही जल्द आपके पास आने का प्रयास करूंगा। आपका गहरे गहरे धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्सेलेंसी, दिस कंक्लूड्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।